अब बेटा हम तीसरा प्रॉब्लम देखेंगे, थर्ड 2.1 में का थर्ड। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल बेटा, बाइनोमियल जिसकी डिग्री, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या हो, 35 पहला। एंड ऑफ ए मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी दो बातें हमें पूछी है। तो देखो सॉल्यूशन, ओके बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में कितने टर्म होनी चाहिए बेटा, दो टर्म होनी चाहिए, दो टर्म होनी चाहिए तो बाइनोमियल। और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। यस, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर उसकी 35। तो हम यहाँ पे इसमें वेरिएबल लेंगे जैसे x। अब वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, t ले सकते हैं। तो हम लेंगे वेरिएबल x। तो लेट द वेरिएबल बी x। वेरिएबल हमने क्या लिया बेटा, x। हाँ तो बताओ बर, बाइनोमियल ने दो टर्म आनी चाहिए और डिग्री 35। तो देखो फिर बेटा, x का डिग्री 35, ये देखो डिग्री 35 आई, लेकिन ये मोनोमियल हुआ, एक ही टर्म है, तो दूसरा टर्म आप अपने तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, चलेगा। आप 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 35 प्लस 5, या आप लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस 4, या आप लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस 1, या आप लिख सकते हैं x टू द पावर 35 माइनस 2, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो गया ये बाइनोमियल, यानी दो टर्म हो गए, एक ये x टू द पावर 35, दूसरा ये 2, ये जैसे माइनस 2, या कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने अभी बोला, बताया आपको, जैसे 7। हाँ, तो ये पहला टर्म x टू द पावर 5, दूसरा टर्म 7, तो ये बाइनोमियल हुआ और डिग्री 35 हो गई। कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट। तो ये इसका पहला पार्ट। एंड दूसरा पार्ट हमने, हमें पूछा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो उसके पहले ये जो है ना, इसका आंसर लिख लेंगे कि ये जो है दिस, तो इट इज ए, क्या है ये बताओ, इट इज ए बाइनोमियल। बाइनोमियल है पक्का, क्योंकि दो टर्म है, ये एक और ये 7 दूसरा। इट इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये हो गया पहला। हाँ, एंड दूसरा ये पूछा है मोनोमियल एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 100। अच्छा, तो एंड इसमें, हाँ इसमें हम लेंगे मोनोमियल। तो ये देखो x और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। ये देखो x टू द पावर 100, और ये मोनोमियल यानी एक ही टर्म है, ये देखो पूरे इसमें एक ही टर्म, एक्स टू द पावर 100 एक ही टर्म है, तो मोनोमियल और डिग्री 100। देखो दोनों टर्म सेटिस्फाई हो गए कि नहीं, उसमें इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गए कि मोनोमियल यानी एक टर्म आ गए और डिग्री 100, तो एक्स टू द पावर 100 ये क्या हो गया, मोनोमियल। तो आंसर लिखेंगे एंड एक्स टू द पावर 100 इज ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कंप्लीट हो गया बेटा थर्ड नंबर का। यस, अभी हम फोर्थ इस पे आएंगे। ओके, यस।